सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस न्यूज को। तो जी हां दोस्तों, आपको बता दें चिराग पासवान बीजेपी के लिए बोझ है और मजबूरी भी, हटाया तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस प्रकार से बिहार की राजनीति पल पल में उलट फेर कर रही है, तो चिराग पासवान भी अपने दमखम पर और आपको बता दें अपने वही तेवरों और अंदाज पर अड़े हैं। बीजेपी के आपको बता दें जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई, बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात हो रही है, सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। तो उधर आपको बता दें चिराग पासवान जेडीयू जानी आपको बता दें नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, तो जेडीयू भी आपको बता दें नीतीश कुमार जो चिराग पासवान है उन पर भी हमलावर रहती है। जेडीयू ने वादा किया था कि जब किसी दलित की हत्या कर दी जाएगी तो नौकरी दी जाएगी, लेकिन इस पर तेजस्वी यादव और आपको बता दें चिराग पासवान तमाम लोगों ने सवाल भी खड़े किए थे। आपको बता दें जब मीडिया कर्मियों ने पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी और चिराग पासवान आपके घटक दल हैं गठबंधन में शामिल है, लेकिन चौंकाने की बात यह है जब चिराग पासवान की बात जेडीयू यानी तेजस्वी आपको बता दें नीतीश कुमार से की तो नीतीश कुमार ने कहा कि वो हमारे साथ नहीं है बल्कि वो बीजेपी के घटक दल हैं। अब देखने की बात यह होगी, आपको बता दें सोचने की बात यह होगी कि महागठबंधन है, गठबंधन है, गठबंधन में भी घटक दल माने जाते हैं, जैसे बीजेपी के साथ चिराग पासवान है, ये कहना है आपको बता दें जेडीयू यानी जिस प्रकार से नीतीश कुमार का। अब देखने की बात यह होगी नीतीश कुमार दलित वोट बैंकों के लेकर दलित वोट बैंक की राजनीति करने लगे हैं, दलितों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, साथ ही आपको बता दें नीतीश कुमार दलितों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अशोक कुमार चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया पार्टी का, उनको भी आपको दलित वोट बैंकों को खींचने की उनकी कवायद शुरू हो गई है। साथ ही आपको बता दें वह दलितों को पार्टी में बहुत बड़ी तेजी से शामिल करा रहे हैं पार्टी में। अब आपको बता दें नीतीश कुमार जो जीतनराम मांझी थे उनको भी उन्होंने पार्टी में शामिल कराया, इसका भी उन्हें फायदा मिलेगा। बीजेपी के लिए चिराग पासवान सरकार दर्द बन बैठे हैं। साथ ही आपको बता दें जब चिराग पासवान से मुंह मोड़ती है तो उसको बड़ा झटका लगेगा, उसकी मजबूरी भी है, अगर चिराग पासवान से मुंह मोड़ा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखने की बात यह है कि जेडीयू चिराग पासवान को कितना तवज्जो देती है, बीजेपी कितना दबाव बना करते हैं जैसे आपको बता दें नीतीश कुमार पर चिराग पासवान को दिला पाती है, ये देखने की बात हो। तो बिहार की राजनीति की हर अपडेट, बहुजन समाज की हर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए जीएस न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए आपकी क्या राय है बिहार की राजनीति पर।